तो आज हम बड़े दिनों के बाद देखेंगे एक फनी एनिमेशन वीडियो ऑफ वन एंड ओनली नॉट योर टाइप। यस, अभी रिसेंटली उसने एक नई वीडियो डाली है एंड उसने नई वीडियो डाली हो और बिकसू ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? बात तो सही है। एंड आज की एनिमेशन होने वाली है टाइप्स ऑफ इंडियन कार्टून्स फीचरिंग चाइल्डहुड मेमोरीज। तो आई थिंक सो दिस इज गोना बी अ बैंगर। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के साथ देखने के लिए अभी तक इसे नहीं देखा है, वरना मेरे अंदर ऐसे बहुत ज्यादा चुल हो रही थी। तो यस, फटाफट एवरीवन बकल योर सीट्स अप एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड द वीडियो क्रेडिट ऑब्वियसली गोज टू नॉट योर टाइप। लेट्स गो। अरे डकार, ये कैसी शुरुआत है? ओके, हियर वी आर। एंड मुझे यहाँ पे चार कैरेक्टर दिख रहे हैं जिसमें से एक टीवी या मार्शमेलो है। ओके, आई डोंट नो मैन, लेट्स जस्ट सी। हेलो, तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए पापे, ये देख, अभी रुक। Yo, पापे is back! कमेंट्स में बताओ जरा किस किस को पता है पापे कौन है। आई मीन जो मेरी ये वाली वीडियोस देखता है उन्हें पता ही होगा। पापे हमारा जिगरी यार। बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? अरे क्रिस को फंसा रखा है। चिमटी भर दूं कि मरोड़ दूं? नहीं नहीं बबले, हम लोग विलन्स। व्हाट इज हैपनिंग? क्या नाम है वो और ये क्या हरकतें कर रहा है? क्या ये फ्लैश है? काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। आ गया बचाने, कौन है? शक्तिमान? अबे बैठ गया। कह रहा ठंड पैगी हुई। ब्रो क्या ये आयु भूल गया? ये फैमिली फ्रेंडली हुआ करता था या ये कभी था ही नहीं? आपे तू मेरा हर खिलौना अपनी में क्यों ले लेता है यार? वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? दिस रिंगटोन। दोस्त देखो, मैं तुम्हारी से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप चुप बिल्कुल चुप। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गरे पाजी की में जाके। कह रहे उसकी टूई में नेटवर्क नहीं आ रहा है यार, ये क्या चल रहा है? और वो टॉयज उसकी टूई में क्यों है? खिलौने जिंदा थे? अरे तू छोड़ ना, तू बता नहीं क्या बता रहा था। अम्मा तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं? पापे नहीं नहीं पापे। ओह नो, पापे गया। पापा तू की कितना है? मैंने ना बचपन में बहुत बेबलेट खेला है, बस बेबलेट की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था और स्टेडियम की जगह कढ़ाई। कार्टून में ना उनके बेबलेट आपस में खुद जाके लड़ते थे, लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था। ये साले लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे, तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। भाई बचपन की मेमोरीज, लाइक आई डोंट नो तुम्हें से किसने बेबलेट चलाया, आई मीन चलाया ही होगा। और वो कढ़ाई में क्या खुशी मिलती थी भाई साहब। एक बार तो कढ़ाई में थोड़ा सा डेंट पड़ गया था। फिर घर पे मम्मा ने आके मेरे अंदर डेंट पाया, बट कढ़ाई के अंदर ओ भाई डैम भाई, क्या बेबलेट के पेचे लड़ाते थे हम। एंड ये भी बॉस के जबरदस्ती रस्सी से लड़वाना। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मर चुका हूँ, लगा था वो लट्टू मेरे सर पे। बेबलेट वाले शो में ना उनके बेबलेट से एक बीस्ट निकलता था। okay. लेकिन हमारे पांच वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता स्टिकर था। लगा अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती। ब्रो ये दांत वाला इंसिडेंट, उफ, हम लट्टू को मारे थे, एक दोस्त के दांत पे आके बजा, उसकी खिड़की खुल गई आधी सी। मुझे नहीं हंसना चाहिए इस बात पे। तुम्हें शर्म है कुछ? सॉरी सॉरी दोस्त, जिनकी भी खिड़की खुली हुई है थोड़ी सी। चिंता मत करो, मेरे भी अंदर का थोड़ा सा दांत टूटा हुआ है बेबलेट की वजह से ही। क्या मतलब, मैं ऑटो से गिर गया था? दीदी वो रोड पे जम से फेंक दो। तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सब बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ यही दोनों थे, मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने किसी गेम में बिजी रहते थे। कंचे ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया, किधर है चिड़िया? बंटे बोलते थे मैंने। कोई बात नहीं दोस्त, मुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है।
तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है? वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? साला हमको झूठ बोला। हर किसी को चिड़िया का चारा देके भाग जा रहा है भाई वो तो। यार ये लोग अभी भी केजी में पढ़ रहे हैं क्या? तुम क्या देख रहे थे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया। अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी। बाय बाय टाटा। उसके बीवी। अरे भाई रोलर कोस्टर बना के ले गया वो। तू चिड़िया देखता रह जा, असली चारा वो पा गया। आएगी किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी। तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा ही। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल होगा मौत का खेल। ब्रो ये क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में कभी? होल्ड अप ये क्यों नहीं कभी सोचा मैंने? ब्रो लट्टू यार तुम बेबलेट की स्पीड को बढ़ा सकते थे ना ऐसे तेल वगैरह लगा के। तो ये क्यों नहीं आया दिमाग में? ओके थैंक यू, अभी याद दिलाने के लिए आई हूँ। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया के में घुसा फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। ओह नो। मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है, मेरा माँ बनने का सपना सपना ही रह गया। वैसे ये क्या चल रहा है, वो अपने राज क्यों खोल रहे इतने? उससे कोई रिलेशन भी नहीं है। तो तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। शॉन्टी लाइफ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने का, खेलना हो तो इंडिया का अपना गेम। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस चीज के पैसे नहीं मिले तो मैं स्किप करूंगा। ऑल राइट ड्रैगन बॉल जी। ओके भाई इसका क्या क्रेज हुआ करता था, नॉट गोना लाई। ड्रैगन बॉल जी भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो विलन आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे, 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश। हाँ जी फ्रीजा भाई यही चलता था, लिटरली यही चलता था। एक तो तुम रात के 8-10 बजे तक एपिसोड्स का वेट करो, और वो 35 या 25 मिनट के एपिसोड आते थे और उनमें भी बस ये बातें होती थी। तुम मानोगे नहीं एक सीन को ये 4 एपिसोड में खींचते थे। इसका निर्माण कर दिया है लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सैयन में देखी है। गोपी तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ। डोरेमोन क्या कर रहा है पे? लेकिन अब हूँ, है ना ये खुशी की बात? नो ये क्या देख लिया मैंने? मम्मी भाई यार ये क्या ट्रॉमा दे रहा है मेरे को बचपन के। हाँ हमें माँ को बताना चाहिए। माँ गोकू बेटा हमारे घर पे CID घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों गोकू? मुझे तो लगता है गोपी माँ प्रेग्नेंट थी। क्या कल तो नहीं थी? एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ पहले। अरे यार गोपी SCP पद्दुमन जी बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू मुझे पता चला ये आवाज काई की है। अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे प्रेग्नेंट कब हुई? और बार बार मन दिखाओ डोरेमोन को प्लीज। प्लीज मुझे समझ में आ गया है डोरेमोन कब से इतना तेज होने लग गया है। सीखना पड़ेगा डोर। क्या बोला तूने? आगे देखते हैं। वो तो नहीं पता लेकिन आप बताइए ना गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं, और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं लेकिन ये सच है। क्या ये सरासर झूठ है? किसने कहा है आपको? देखो गोकू मैंने कहा ना मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है दया दरवाजा तोड़ दो। अरे अच्छा तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। सल्लू भाई
जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। जो फोटो ऑलरेडी है उसका स्केच बनवा रहे भाई साहब। ये लीजिए सर, ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। ओह माय गॉड, ये अभी तक गिर रही है। इस कार्यक्रम को रोक कर, अरे लल्ला भी हो गया। बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? करेज द कावली डॉग उसके विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। एग्जैक्टली, सबका सबका दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौट। मैं क्यों हंस रहा हूँ इनपे, मैं क्यों हंस रहा हूँ क्या बोले यार था? आई मीन गेट वेल सून टू योर दादाजी। दादो डिप्रेशन में चला गया और अब उसे डॉक्टर हग्गड़ पदास बहुत अच्छा स्केच बनाया है, लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट, अरे द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या वो, जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। क्यों, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन डोरा अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम में, उधर जाओ, वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। अरे मम्मी क्या बना रखा है तूने? अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे। डोरा एक्सप्लोरा, मम्मी तेरे पीछे मम्मी। ओह नो थैंक यू आयु भाई। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। डॉक्टर हग्गार, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंडमिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से हगने की कोशिश कर रहा था, वो सीट ही उखड़ गई। Nice one, that was nice. Bob the builder करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लश कर देना, मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट, अरे पत्थर, अरे आ गया। आओ आओ, पत्थर लोटा। अब बस करो पत्थर लोटा दो। तुम एक काम करो, ये ईट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। एग्जैक्टली exactly. ये कहाँ गए? अच्छा ओके, तो टेलीपोर्ट हुए थे ना? टारजन द वंडर कार, ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। ओए विलन्स, okay. तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी, नहीं नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है, बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल, नहीं विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है, क्या है? अब देख विमल स्पेशल करेगा ना? नहीं, अरे अरे लग गया ब्रो, व्हाई आर यू टॉकिंग? ओके, वी गॉट इट, डोंट शो अस योर स्किल्स, आई मीन वी डोंट माइंड अंटिल अनलेस यू आर अ गर्ल। नो नो, पर वैसे आयु वो किसी ने देखा नहीं है, नोबडी नोस ऑब्वियसली। सांस नहीं आ रही, ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। पीट दिया साले, क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। तू है कौन? अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा कैसरी तू। नो, बोलो सुबा कैसरी। तुम में से अब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा, जा तू जा, जाना पड़ेगा तुझे, जल्दी जा। धूप धूप कपाल भाती।
अरे बल्ब फोड़ दिया उसका। ये अब मेरा हुआ। ओह नो ब्रो, योर ब्रेन आर गॉन। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। ओह नो। मेरे वायर। अरे रिचार्ज करने जा तू। शॉर्ट सर्किट। बूम। बेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी, एक ठंडा कोला लाना तो? मुझे बहुत अच्छा लगता है कोको कोला। हेलो, आई होप तुम्हें नाइस। नाइस वन दो। मुझे स्प्राइट ज्यादा अच्छा लगता है। सो यार, दिस वाज इट आई गेस। काफी मजा आ गया, काफी कुछ नया सीखने को मिला आज। एंड आई होप तुम लोगों को भी अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट। हा।